पब्लिक टीवी आपकी आवाज। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के तत्वावधान में संचालित एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता MHEA के कानूनी सलाहकार संरक्षक और MCT एंड HRC के नोडल ऑफिसर नजमुल इस्लाम एडवोकेट और संचालन यस के नेशनल सेक्रेटरी JP सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST हसन तथा सम्मानित अतिथि वरिष्ठ निर्यातक और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर मनमोहन महाजन के करकमलों से एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के परिसर में ध्वजारोहण किया गया। तिरंगे को फहराकर राष्ट्रगान के साथ सलामी दी गई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं सम्मानीय अतिथि के द्वारा मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के नए ध्वज का अनावरण कर फहराया गया। विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ग्राउंड में भी ध्वजारोहण मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर ST हसन और सम्मानित अतिथियों के द्वारा किया गया। ट्रस्ट के सचिव नीरज विनोद खन्ना ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि समेत उपस्थित सभी सदस्यों को इस शुभ अवसर पर जमा होने के लिए धन्यवाद दिया। इसके पश्चात छात्रों ने देशभक्ति से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर देश के तमाम वीर सपूतों को याद किया। इस अवसर पर डॉक्टर ST हसन ने एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के सभी विभागों का भी भ्रमण किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर ST हसन और सम्मानित अतिथि मनमोहन महाजन, कार्यक्रम अध्यक्ष नजमुल इस्लाम एडवोकेट को मोमेंटो भेंट किया गया और सभी का स्वागत किया गया। गम्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर ST हसन जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से आज हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ
हमारे सम्मानित अतिथि श्री मनमोहन महाजन जी, वरिष्ठ निर्यातक, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर अपना समय निकाल के और अपना समय दिया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। साथ ही साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नजमुल इस्लाम जी, उनका मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं और उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें काफी गाइड भी किया है, उनका धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री एसपी खोसला जी, सर आपका भी काफी धन्यवाद। समय समय पर आपने हमें अच्छी तरीके से गाइड किया और हम प्रोग्राम को इतना अच्छा आगे लेके आ सके। हमारे उपाध्यक्ष श्री सुभाष ढल जी, अपनी बीमारी हालत में होते हुए भी आज हमारे साथ ऐसे ठंडे मौसम में यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमेशा हम लोग का उत्साह वर्धन करते रहते हैं और इसके लिए सर आपका काफी काफी धन्यवाद, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। इसके साथ ही हमारे कर्मठ सचिव श्री नीरज खन्ना जी, जो इस प्रोग्राम को जितना जो कुछ भी आप देख रहे हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को जो बांधे रखा है, हम उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के मार्गदर्शन में यहां तक पहुंचे हैं। सर आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें इसी तरीके से हमारा उत्साह वर्धन आप करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हमारी आज़ादी और हमारा ये जम्हूरियत देश में हमेशा हमेशा कायम रहे। आज मैंने यहाँ पर विवेकानंद एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल देखा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पे तरक्की हुई है और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं। और जिस तरह से चैरिटी हो रही है, चाहे वो आँखों के ऑपरेशंस हो, लेंस तक फ्री डाले जाते हैं, चश्मे तक दिए जाते हैं और हार्ट के मरीज़ों की बहुत ही रीज़नेबल रेट के ऊपर और चैरिटी के ऊपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की जा रही है। इसी तरह से डायलिसिस, तकरीबन ये लोग 50% डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ऐसी तो कोई भी हॉस्पिटल मैं तो समझता नहीं कि मुरादाबाद या उसके आसपास के इलाकों में कोई भी अस्पताल ऐसा हो जो इतनी चैरिटी कर रहा हो, ना दिल्ली के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल है। मैं इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस वक्त मेरी पार्लियामेंट एंट्री की निधि खुल जाएगी तो मैं 10 लाख रुपए का अपनी निधि से इसमें काम भी करूँगा। मैं इनके चैरिटी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं समझता हूँ कि हम सारे मज़हब के मानने वालों का सारे मज़हब हम लोगों को यही इंसानियत सिखाते हैं, हम उसका मिसयूज़ कर लेते हैं, नफ़रतें पैदा कर लेते हैं। हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हों हर मज़हब के, लेकिन मकसद और मंजिल सबकी एक होती है। उसको उस सिद्धांत को मानते हुए इन लोगों ने जो काम करा है, जितनी इनकी तारीफ की जाए और जितनी इनको दुआएं दी जाए वो बहुत कम है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।